गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। ठीक है, अर्थात हमारी जो केंद्र सरकार होती है, तीन स्तर पर सरकार होती है, जिसमें केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और फिर स्थानीय सरकार होती है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय जो स्तर पर सरकार होती है उसका चुनाव करना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये चुनाव करवाने का जो कार्य है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। जो चुनाव आयोग है वो ये कार्य करता है। अब देखो, हमारे यहाँ पर क्या है कि संसद है ना, संसद है। संसद में क्या है, दो सदन है, एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ये दो तो सदन होते हैं प्लस फिर राष्ट्रपति। इन तीनों से हमारी जो भारतीय संसद है उसका निर्माण हो जाता है, अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। इन तीनों को क्या बोलते हैं, हम संसद कहते हैं। तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। अब देखो, लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के आम चुनाव होते हैं। तो ये जो आम चुनाव है, लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं, इनके बाद में एक सूची तैयार की जाती है कि किस पार्टी को, सभी सांसदों की सूची की जाती तैयार की जाती है कि किस दल को कितनी सीट प्राप्त हुई है, कितनी सीट प्राप्त हुई। एक तरीके से एक रूपरेखा बना ली जाती है, एक सूची बना ली जाती है, जिसमें जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसके बाद में एक सूची तैयार करके ये पता किया जाता है कि लोकसभा में जो सांसद है, अच्छा लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के, दोनों के ही सदस्यों को है ना सांसद कहते हैं। दोनों के ही सदस्यों को क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। इनको बोलते हैं इंग्लिश में मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अर्थात सांसद, चाहे से वो राज्यसभा के सदस्य हो चाहे लोकसभा के सदस्य हो, वो क्या कहलाएंगे, वो एमपी या सांसद कहलाएंगे। अब देखो, जो चुनाव आयोग होता है उसके द्वारा इसका पता कर लिया जाता है, सूची बना ली जाती है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद है। तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं ये सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। अब जो सरकार है वो सरकार बनाना चाहते हैं, ये निर्वाचित जो प्रतिनिधि है इनको जो बहुमत मिलेगा उस बहुमत के आधार पर सरकार का गठन किया जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो देखो, हमारी जो लोकसभा है कुल सदस्य संख्या, ठीक है, या अपन कहें ऐसे बोल दें कि अधिकतम सदस्य संख्या। तो अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो है 552। अर्थात हमारे भारत में जो लोकसभा है, संसद है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। लेकिन हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये 543 प्लस 2, ठीक है, ये 543 तो वो है जो जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए, ठीक है, प्लस ये जो दो सदस्य हैं ये मनोनीत है, जो मनोनीत है
और मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति करता है। दो आंग्ल भारतीयों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। लेकिन वर्तमान में अब थोड़े चेंज हो गए हैं, इसमें जो ये दो सदस्य मनोनीत होते थे इसे जो 104वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा हटा दिया गया है। लेकिन आप यही ध्यान रखो 543 तो निर्वाचित होते हैं, दो मनोनीत होते हैं, तो टोटल सदस्य हो गए 545। कितने सदस्य हो गए? 545। तो वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 545। अब देखो कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार है, या हम कहें कोई भी दल है, कोई भी दल या पार्टी, कोई भी दल या पार्टी है, अगर उसे सरकार बनानी है, सत्ता में आना है, तो उसे 272 प्रतिनिधि, 272 प्रतिनिधि, ठीक है। इसमें दो का भाग देके देख लो, 4, 7, ठीक है, 272 सदस्य तो होने ही होने, मतलब आप तो सीधे सीधे समझो आधी सीट होना आवश्यक है, आधी सीट होना आवश्यक है, आधी सीट होना आवश्यक है। तो कोई भी दल है अगर उसे सरकार बनानी है तो 272 सदस्य होने उसके पास में आवश्यक है। अब देखो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एक ही दल को ये पूर्ण बहुमत, एक तो होती है पूर्ण बहुमत की सरकार और एक होती है गठबंधन की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार और गठबंधन की सरकार। पूर्ण बहुमत की सरकार तो उसे कहते हैं जिसमें एक ही पार्टी पूर्ण बहुमत लेकर आती है और सरकार का गठन कर लेती है, और गठबंधन की सरकार उसे कहते हैं जिसमें एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वो कुछ दूसरी अन्य जो सहायक पार्टी होती है उससे मिलकर सरकार का गठन कर लेती है, उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? गठबंधन सरकार कहा जाता है। अब देखो ये जो गठबंधन सरकार होती है इसका ये जो अन्य दल होते हैं, अन्य दल ये विरोध करने का कार्य, जो अन्य दल होते हैं जैसे मान लो अभी हमारे केंद्र सरकार में बीजेपी की पार्टी है, ठीक है, तो और जो दूसरे दल हैं जैसे हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार में पार्टी कौन सी? बीजेपी। बीजेपी की क्या है? सरकार है। तो अन्य जो दल है, अन्य दल वो क्या कहलाते हैं? विपक्षी दल, अर्थात इसके जो पक्ष में नहीं है वो विपक्षी विरोधी दल कहलाते हैं, विपक्षी या विरोधी दल कहलाते हैं। कुछ दल ऐसे भी हैं जो इनका समर्थन करते हैं और जो बाकी के जो समर्थन नहीं करते केवल आलोचना करते हैं, आलोचना करते हैं, वो दल कहलाते हैं विरोधी या विपक्षी दल, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ये कुछ हमारी जो प्रक्रिया थी इसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम इसका गठन कर लेते हैं। और आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मनोनीत सदस्य, एक तो है निर्वाचित और दूसरे है मनोनीत, आपसे पूछ ले क्वेश्चन आ जाए कि जो लोकसभा होती है उस लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, तो वो दो सदस्य होते हैं और जिनको हम बोलते हैं आंग्ल भारतीय, और ये जो निर्वाचित है इनकी संख्या 543। आपसे कुल सदस्य पूछ ले तो कितने बताओगे? 545। कुल सदस्य कितने हो जाते हैं? 545 हो जाते हैं, और 543 तो निर्वाचित होते हैं, दो मनोनीत होते हैं, टोटल 545 होते हैं, ठीक है।
तो अगर कुल पूछे तो 545, और अधिकतम पूछे अधिकतम कितने होते हैं तो अधिकतम तो 552 होते हैं, लेकिन अभी है ही नहीं, अभी नहीं है तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अधिकतम 552 होते हैं लेकिन है ही नहीं, अभी कितने हैं 545 है, जिसमें 543 प्लस 2, ठीक है। अब इसके बाद में आगे का जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।